दीपावली पर बुकिंग कराएं और स्कूटी फ्री ले जाएं स्मार्ट ऑटोमोबाइल से। एक बार चार्ज करें और 80 किलोमीटर तक का सफर करें। ना रजिस्ट्रेशन का झंझट, ना आरटीओ की आवश्यकता। नो पॉल्यूशन, इको फ्रेंडली, सेफ राइड, नो फ्यूल। तो आज ही आए रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर के बगल में अलादीन पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड मऊरानीपुर। स्मार्ट ऑटोमोबाइल मऊरानीपुर। इस त्योहार बांटिए अपनों के साथ प्यार, दीपावली पर घर लाइए कुछ खास उपहार। आइए पीताम्बरा इलेक्ट्रॉनिक्स मऊरानीपुर और ले जाइए स्मार्ट टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और जरूरत का सामान आसान किस्तों पर। झांसी में समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम के नेतृत्व में आज स्नातक चुनाव को लेकर एक मीटिंग का आयोजन कुंज वाटिका मैरिज हॉल में किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर गरौठा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव ने स्नातक MLC चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मान सिंह यादव को जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। वहीं पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता स्नातक चुनाव में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है और स्नातक चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी मतों से जीत भी मिलेगी। इस मौके पर प्रत्याशी मान सिंह यादव ने कहा कि अगर वह इस क्षेत्र से चुनाव विजयी होते हैं और जनता उन्हें इस कार्यभार के लिए ठीक समझती है तो वह अपने पूरे MLC कार्यकाल में जनता के हितों के लिए ही कार्य करते रहेंगे। देखिए, आज हम सभी लोग वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी का जयंती मना रहे हैं धूमधाम के साथ, बल्कि देश में नहीं दुनिया में लोग आज इस जयंती को मना रहे हैं। ये सौभाग्य झांसी के लोगों के साथ जुड़ा कि हमारे बीच की एक वीरांगना महारानी ने आज़ादी की लड़ाई 100 साल पहले छेड़ने की कोशिश की थी और एक कोशिश की थी कि 100 साल पहले हमें आज़ादी मिले, उसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। जहाँ तक झांसी की रानी की वीरता का इतिहास है, मैं कह सकता हूँ जब भी दुनिया में कभी किसी क्रांति की बात चलेगी, झांसी के बगैर वो अधूरी है। क्योंकि उस ज़माने में झांसी की रानी ने ये फैसला लिया था, हमारी महारानी ने, जिस ज़माने में अंग्रेज़ों की हुकूमत जहाँ से सूर्य उगता और अस्त होता है, इतने बड़े साम्राज्य पर जब उनका राज्य हो और ऐसे समय में हमारी झांसी की रानी ये फैसला करती हैं कि जान दे देंगे पर झांसी नहीं देंगे। मैं कह सकता हूँ ये महान गौरव की बात है झांसी वालों के लिए कि हमारे बीच में एक ऐसी प्रतिभा, एक ऐसी रूप में देवी के रूप में, शक्ति के रूप में एक देवी पैदा हुई जिन्होंने वीरता का एक नया इतिहास लिखा और हमारी पहचान दी। आज पूरे देश में बल्कि दुनिया के कोने कोने में कहीं चले जाएं, झांसी का नाम लो तो झांसी की महारानी के बारे में दुनिया के कोना कोना जानता है। और इस अवसर पर हमारे सभी समाजवादी पार्टी नगर के अध्यक्ष, हमारे पूर्व नगर अध्यक्ष सूद साहब जी से लेकर हमारे सभी साथियों ने धूमधाम के साथ इसको मनाने का फैसला लिया, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं और आप सबको भी हृदय से बधाई देता हूं कि झांसी की महारानी की वजह से आज हम सबका मान और गौरव बढ़ा है। झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट।